ये सब क्या है? तू रणबीर के प्यार के टूटने का सोग मना रही है या कोई नया यार कर लिया तूने? हाँ मुझे पीठ पीछे कौन से गुल खिला रही थी तू? हाँ बोल। वो तो कुछ बोलेगी नहीं, तेरे बाऊजी से ही पूछ लेती हूँ। दोनों बाप बेटी मिलकर क्या गुल खिला रहे? नहीं चुप, एक आवाज नहीं सुननी मुझे तेरे मुंह से। अब उतार जो कुछ कहा, मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूंगी, ये तो तय है। नहीं, रानू ने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा कैसे कर सकती है? सुखी, रानू ने ऐसा ही किया। जिससे उसने प्यार किया उसके और उसके परिवार के लिए उसने अपने ही हाथों से अपना दिल तोड़ दिया, अपने प्यार को त्याग दिया। लेकिन तुम भी तो वहां थे ना, सच तो तुम भी जानते हो, तो तुमने क्यों नहीं बताया उनको कि सच क्या है? मैंने बताने की कोशिश की थी पर रानू ने मुझे यह कहकर रोक दिया कि अपने प्यार के लिए वो उस प्यार को नहीं तोड़ सकती जिसकी वजह से रणबीर का परिवार जुड़ा हुआ है। उसने कहा वो अपनी खुशियों के लिए किसी और की खुशियां नहीं छीन सकती। जानते हो उसने मुझे क्या कहा? कि उसे बचपन से दुख सहने की आदत है, वो आगे भी बिना खुशियों के जी लेगी मगर रणबीर के परिवार की खुशियों पर आज तक नहीं आने देगी। हाँ, खुशी शब्द तो उसने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा है। खुशी किसे कहते हैं, उसका एहसास क्या होता है, वो तो बेचारी इसको जानती तक नहीं। बचपन से लेकर आज तक हमेशा दूसरों के लिए जीती आई है वो। प्यार की भावना तो उसके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। पर मेरी आंखों पर तो बचपन से ही स्वार्थ का पर्दा पड़ा हुआ था। मेरी बदकिस्मती देखो, अब मुझे होश आ भी गया है तो मैं उसका साथ नहीं दे सकता जब उसे मेरी सबसे ज्यादा साथ की जरूरत है। अब तो बस एक ही रोशनी की किरण दिखती है, गुड्डो। जब उसे होश आएगा तभी सच के ऊपर से पर्दा हटेगा। मगर इस घर से निकालने से पहले तूने जो जो स्यापे किए ना वो सब ठीक करके जाएगी तू। चल मेरे साथ। मेरी बात सुनिए। चल। सुनिए। तुझे इस धरती से जाने नहीं दूंगी जब तक मेरा बेटा। रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप लोग? मैं अपने बेटे को जेल से छुड़वाने जा रही हूँ और आज मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तुमसे कोई मिलना है? रानू, रानू पुत्र, रानू भाई, जो जो सामान तूने कहा था मैं सारा ले आया हूँ। हाँ, एक बारी आके चेक कर ले, फिर कहेगी बाऊजी आप तो भूल जाते हैं, ये भूल गए वो भूल गए। हाँ रानू, इस वक्त कहां जा सकती है भाई? हमारे घर का कोई हिसाब किताब नहीं राब, पता ही नहीं चलता किसी का, किसी का कुछ पता नहीं। चलो मेरे को क्या, जो मर्जी करें। हाँ, और मैंने तो तेरे सामने आज अपना काम कर दिया ना, मैंने तो चिट्ठी लिख दी है वो कमला रानी को कि रानू आई भी है, है? चिट्ठी मिलते ही फौरन वापस लौट के आए। आज नहीं तो कल एक दो दिन में चिट्ठी ने मिल ही जाना है। ओ आप अंदर नहीं जा सकते। सुखी तो ठीक तो है ना? तेरी जमानत किसने कराई? वेद ने। नाटक करने की जरूरत नहीं है, आज मेरा बेटा जेल में था तेरी वजह से, दूर रहे मेरे बेटे से। बस भी करो माँ, कम से कम यहाँ तो मत शुरू हो जाना। सुखी, कितने दिनों बाद तुझे देख रही हूँ बेटा। मैं जानती थी तू छूट कर आएगा, जब मेरे बेटे ने कोई गुनाह ही नहीं किया तो उसे जेल में कोई बंद कैसे रख सकता है। सबको मैं जवाब दूंगी अभी, और वो प्रीत बहन जी ना, उसे तो मुंह तोड़ जवाब दूंगी।
ओहो, देखो तो कौन आया है। हम छोटे लोगों से मिलने वड्डे हवेली के वड्डे लोग आए। अच्छा हुआ तुम खुद आ गई प्रीतबेन जी, अपनी आंखों से देख लिया ना, मेरा बेटा जेल से छूट गया है। क्योंकि तुम चाह कर भी उसे जेल में बंद नहीं रख सकती थी, है ना? तुझे अंदाजा नहीं है कमला, मैं क्या कुछ कर सकती हूँ। मैं अगर चाहूं तो बिना जुर्म के भी तेरा बेटा जिंदगी भर जेल में सड़ सकता है। सही कहा आपने, कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि आप क्या क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। चुप कर। मेरे बेटे को जेल में डालना तो दूर की बात है, तू उसे छू भी नहीं पाएगी। और तू ना ही पहले मेरा कुछ बिगाड़ सकती थी और ना अब। कर ले जो करना है। और सुन, मैं अपने बेटे को तेरे आंखों के सामने छुड़ा कर ले जा रही हूं। तुझसे जो बन पड़े कर लेना। अब तेरी कोई धमकी मेरे सामने नहीं चलने वाली, इसलिए जो भी बोलना है ना तो समझ कर बोलना। उंगल थल्ले और आवाज हौली। जब तुझे पता चलेगा कि मैं यहाँ क्या करने आई हूं, तो तेरी जबान से और तेरे दिमाग से ना एक एक लफ्ज सोच समझ कर ही बाहर निकलेगा। सोच समझ के तो बोलना ही पड़ेगा ना प्रीत बहन जी, क्योंकि आप अपनी उंगली के एक इशारे से किसी की भी किस्मत और किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं। क्यों, मैंने गलत कहा? तो चुप कर। तेरी किस्मत इनकी उंगली के इशारों पर नाचती होगी, पर कमला रानी अपनी किस्मत खुद लिखती है, समझी? और जरूरत आने पर दूसरों के माथे पर भी उनकी तकदीर लिख देती है। चल चुकी। एक मिनट मां, इन्होंने ही मेरी जमानत कराई है। तो ये बात है सुखी, तू इसे इनका बड़प्पन मत समझ, ये मेरी धमकियों का असर है। हो सकता है तूने ये काम मेरे धमकाने के बाद किया हो, मगर मैं ये कभी नहीं मानूंगी कि मेरा बेटा तेरी वजह से जेल से बाहर निकला है, क्योंकि मेरा बेटा बेगुनाह है। और कितने दिन उसे सलाखों के पीछे रखती? और अगर मैं ये मान भी लूं कि तूने ये काम किया है, मैं ये मानने को तैयार नहीं कि इस काम के पीछे तेरा कोई मकसद या कोई फायदा नहीं था। वजह चाहे जो भी हो, इन्होंने सुखी को छुड़वाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काय का शुक्रिया? किस लिए? जितना मैं इसे जानती हूं ना, कि कोई भी काम बिना मकसद या बिना फायदे के नहीं करती। हर काम में अपना फायदा पहले देखती है। ठीक कह रही है, मेरी एक शर्त है। राना, देख, मैं चाहती हूं कि तू और तेरा पूरा परिवार तेरा बस्ती छोड़ के चला जाए।
मैंनु लगता है कि इसी में तेरी और हमारी सबकी भलाई है। क्या हम डेरा बसी छोड़कर चले जाए? तुम होती कौन हो ये फरमान सुनाने वाली? डेरा बसी किसी की जागीर या रियासत नहीं। जो लोग यहाँ खड़े खड़े हम पर हुक्म चलाते रहे, तुम रानो को डेरा बसी से निकलवाना चाहो तो वो बात अलग है, मगर हम में से कोई नहीं जाएगा डेरा बसी से, समझी? अपने दिमाग से ये बात निकाल लो। सत श्री अकाल जी। मैं क्या जी एवं चिट्ठी भेज के पैसा और अपना वक्त बर्बाद किया। जिन्हू चिट्ठी लिखी सी वो ते चिट्ठी तो पहले ही पहुंच गए है जी। कमला रानी डेरा बसी में है, क्या कह रहा है तू? ना कमला डेरा बसी में है तो कार क्यों नहीं आई? ओ जी मैं क्या कहूं जी, क्यों आ गए? और लेकिन मैं सोच रहा सी कि पुलिस स्टेशन में क्या काम हो सकता है जी, है जी? पुलिस स्टेशन? ओ नाले रानो को कसीट कसीट के ले जा रहे थे है जी, समझ नहीं आई जी। चल चुकी, मैं देखती हूँ हमारा रास्ता रोकने की किसकी हिम्मत है। चल, सबकी इसी में ही भलाई है, समझन दी कोशिश कर। अपनी भलाई को दूसरों की भलाई का नाम मत। सब लोग कान खोलकर सुन लो, हम में से कोई डेरा बस्सी से बाहर नहीं जाएगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। हम जाएंगे। हम डेरा बस्सी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। ये हम क्या कर रही है? मैं बोल, मैं तुझे जाना है ना तो तू चली जाए यहां से। वैसे भी तू इस पूरे डेरा बस्सी में बदनाम हो चुकी है, इसलिए अब मुंह छुपाकर भागना चाहती है। तेरी बारात तेरी चौखट से लौट गई, तेरा यार तुझे छोड़कर चला गया। किसके नाम का सिंदूर लगाकर पूरे डेरा बस्सी में घूमती फिरती है? तेरी शादी नहीं हुई तो फिर ये सिंदूर किसके नाम का लगा? माँ, रुक जा माँ, रुक जा। पीछे के फेरे नहीं हुए तो ये मंगलसूत्र किस लिए?
नाल तेरा व्याह नहीं। बस आज रात किसी भी तरीके से इनका ख्याल रख लीजिए। मैंने जो दवाइयां लिखी हैं वो इन्हें वक्त से देते रहिएगा। वाहेगुरु वाहेगुरु जी। आइए मैं आपको छोड़ देता हूं। जी वहीं रुक जा। ये मनुष्य चेहरा लेकर अंदर मत आ, तेरी वजह से आज इनकी हालत हुई है। तुमने इस घर की सारी खुशियां तो निकल ली, अब क्या इनकी जान लेकर तेरे कलेजे में ठंडक पहुंचेगी? तूने गुड्डू और सुखी को अलग किया है। मेरी गैरहाजिरी में तूने सुखी के मन में मेरे खिलाफ जहर भर दिया। ये आप कैसी बात कर रही? भगवान के लिए कम से कम इस वक्त ऐसी बातें मत कीजिए। अच्छा अब तू मुझे सिखाएगी मुझे क्या कहना चाहिए? हाँ ला मेरे दवा और निकल जा, निकल जा, निकल जाए यहां से। मैं कहती हूं अभी तक तो उनकी सांसें चल रही हैं, अगर तुझे देख लिया ना तो उनकी जान ही निकल जाएगी। चल भाग भाग। नहीं मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक बाबूजी ठीक नहीं हो जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ तू कैसे अंदर जाती है। तुझे चिंता करनी है ना तो बाहर जाके चिंता कर, उनकी चिंता करने के लिए मैं काफी हूँ। चल निकल जहां से, निकल जहां से। मेरी बात तो सुनिए, सुनिए मेरी बात सुनिए।